फतह मुझको हासिल होती है या शाह इस्माइल को? ये वो सवाल है जिस पर हमारे शाही खानदान की जिंदगी और मौत का इन्हिसार है। या तो हमारा दुश्मन जिंदा रहेगा या हम। खान दिल ही दिल में कसम खाता था कि शाह ईरान पर फतह हासिल करते ही मावरन नहर की इस फौज के सब सालारों को बदल देगा। ताखीर करने के सिलसिले में जो लोग कसूरवार ठहरेंगे उन्हें सख्त से सख्त सजा देगा। लेकिन वो फौज किसी तरह मरू पहुंच ही नहीं रही थी। कोई ऐसा था ही नहीं जिसे वो सजा दे सकता। खास बात ये थी कि कोई ऐसा भी न था जिसके साथ मिलकर वो फतह हासिल कर लेता। क़यामत की सर्दी पड़ने लगी। दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से भी नीचे गिर गया। शाह इस्माइल ने खान को एक और खत भेजा जिसमें उसे बुजदिल करार देते हुए कहा कि वो मुहासरा उठा रहा है लेकिन इंतकाम लेने के लिए मौसम बहार में जरूर आएगा। मरु के मजबूत कले की फसीलों के ऊपर से बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा गया कि शाह इस्माइल के सिपाहियों ने खेमे उखाड़ उखाड़ कर अरबों पर लादे और सफ आरा होकर जनूब मगरिब की सिमत रवाना हो गए। शैबानी खान ने अपने घुड़सवार फौज को तेजी से कले से बाहर निकलकर हमले के लिए तैयार हो जाने का हुक्म दे दिया। कले का फाटक खोलने से कबल वो एक मीनार पर से काफी देर तक दरियाए अमो की तरफ देखता रहा। कुमक की आमद का वो अभी मुंतजर था लेकिन उसकी तेज निगाहों ने भी मुखबिरों की लाई हुई इत्तला की तस्दीक की। 30,000 सिपाहियों का वो लश्कर अभी दरियाए अमो के उस तरफ ही काफी दूर पर था। आखिरकार खान ने कतई फैसला कर लिया। खजाने और हरम की हिफाजत के लिए 500 सिपाही छोड़ दिए जाएंगे और बाकी फौज को वो हमले के लिए साथ ले जाएगा। शाह इस्माइल की फौज बड़ी अफरा तफरी की हालत में मरो कले से दूर होती जा रही थी। खान ने सोचा कि वो जानी दुश्मन को इस तरह बचकर निकल जाने की इजाजत दे सकता है। बाद में लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। यही ना कि शाह इस्माइल को बरतरी हासिल थी और खान अपने नामी ग्रामी सुल्तानों के बगैर मुकाबले से कतरा रहा था। नहीं, वो तो खान और खलीफा है। वो तो अपनी जिंदगी में कभी भी बुजदिल नहीं रहा। वो सारी इस्लामी दुनिया पर साबित कर दिखाएगा कि अपनी तमाम जंगों में फतूहात खुद अपने बलबोते पर हासिल की हैं। बस किस्मत आज भी उसका साथ दे जाए। हुक्म की तामील की जा चुकी थी। घुड़सवार हमले के लिए सफारा हो चुके थे। इतने में अब्दुल रहीम उसके पास आया और बर्फीली हवाओं से नीले पड़ जाने वाले होंठों को वह मुश्किल खोल खोल कर समझाने लगा कि कले से बाहर निकलना करीने मसलहत नहीं है। अजीम खान, हमें आपकी बेशबहा जिंदगी को खतरे में डालने का कोई हक नहीं। हमें मावरन नहर वाली फौज के यहाँ पहुँच जाने का इंतजार करना चाहिए। पर वो फौज है कहाँ? आखिर और कितना इंतजार करूँ उन कुत्तों का? खान बरस पड़ा। सर्दियों में अमू जैसे दरिया को पार करना लोहे के चने चबाना है। लेकिन मुझे यकीन है कि उबैदुल्ला सुल्तान और तैमूर सुल्तान जल्द ही आ जाएंगे। कब आएंगे? जब सरमा की तेज हवाएं शाह इस्माइल के कदमों के निशानात मिटा चुकी होंगी। ये सुल्तान, ये कुत्ते आना चाहते तो कभी के यहाँ के पहुंच चुके होते। अरे, उन कनबख्तों ने जानबूझकर मुझे अकेला छोड़ दिया है। सोचते हैं कि उनके बगैर मैं जंग करने से खायफ हूँ? डेंग मार रहे होंगे कि सारी फतूहात उन्हीं की ताकत से हासिल होती हैं। खुद मैंने अपने इन्हीं उकाबों के सहारे। और शेबानी ने घुड़सवारों की सफों के पास पहुंचकर बुलंद और वाज़े आवाज में उन्हें मुखातिब किया। मेरे उकाबों, आप देख चुके हैं कि दुश्मन कैसी अफरा तफरी की हालत में भागे जा रहे हैं। तादाद में वो हमसे कम है। क़यामत की सर्दी ने उन्हें कमजोर कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि खुदा आज हमें एक और फतह से हमकनार कर देगा। दुश्मन पर टूट पड़ो मेरे उकाबों। उन्हें मोर्चाबंदी का मौका दिए बगैर ही उन पर टूट पड़ो और कुश्तों के पुश्ते लगा दो। परवरदिगार, हमें एक बार फिर फतह अता कर। आमीन, अल्लाह अकबर, आमीन, अल्लाह अकबर, लश्करियों का नारा गूंज उठा। और खान के कमान में घुड़सवार शाह की वापस जाती हुई फौज के ताकुब में हवा से बातें करने लगे। लेकिन वो फौज वापस कब जा रही थी? ये तो महज एक चाल थी। कजलबाश महज दिखाने के लिए ही पीछे हट रहे थे। खान के मुखबर, जो दुश्मनों के बारे में हमेशा ही दुरुस्त इत्तलात फराहम किया करते थे, इस बार दगा खा गए। उन्हें भनक तक नहीं लग सकती थी कि शाह ने मरो कले के मुहासरे पर अपनी थोड़ी ही फौज मामूर की थी और 20,000 मुंतखब सिपाहियों को मरो से कुछ फासले पर दरियाए मुर्गाब के उस पार रेगिस्तानी टीलों के अकब में बड़ी होशियारी के साथ छुपा दिया था। फन्ने हर्ब की ये वही पुरफरेब चाल थी जिसे खुद शैबानी खान भी 12 साल कबल बुखारा के करीब वाक़े शहर काराकोल के बागियों के खिलाफ अपना चुका था। इस मौके पर खान ने मुहासरा उठा लिया था। दिखावे के लिए पीछे हटकर कले के मुहाफिजीन को बाहर निकलने की तरगीब दी थी और जब वो बाहर आ गए तो उन्हें रेगिस्तान में घेर कर एक एक को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में खान के घोड़ों के बाजार में उन बागियों के सरों का मीनार खड़ा करा दिया था। हाँ, शैबानी खान को अपनी ताकत का जरूरत से ज्यादा ही यकीन था। वो तसव्वुर भी ना कर सका कि कोई सिपा सालार खुद उसके खिलाफ भी यही पुरफरेब चाल चल सकता है।
शाह इस्माइल के 12,000 फौजी पीछे हट रहे थे, हट नहीं रहे थे बल्कि मरों से भाग रहे थे। शैबानी ने तेजी के साथ ताकुब करने का फैसला किया। शाह का लश्कर इतने में महमूदी नामी जगह पर बने हुए पुल को पार करके दरियाए मुरगाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। खान ने सोचा कि ताकुब जारी रखते हुए करीब पहुंचकर हमला कर देना चाहिए। शाह इस्माइल दिखावे के तौर पर पुल की हिफाजत के लिए तकरीबन 300 सिपाही मामूर करके आगे बढ़ गया, लेकिन खान की नहायत ही ताकतवर घुड़सवार फौज पुल के पास पहुंचते ही शाह के ये सब सिपाही खौफजदा हो जाने का जानबूझकर तासुर देते हुए सर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। शैबानी ने पुल को पार करने का फैसला कर लिया। दरअसल दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचने की और कोई भी सूरत न थी। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इकसात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। दोनों किनारों पर उमूदी ढलानों वाले बुलंद कराड़े मौजूद थे। कहीं कोई घाट नहीं था और वैसे भी बर्फ जैसे सर्द पानी में उतरकर दरिया को पार करना मुमकिन ना था। आगे बढ़ने के लिए पुल का पार किया जाना जरूरी था। शैबानी की सारी फौज जब तक दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच गई तब तक इस्माइल के घात में बैठे दस्तों ने किसी भी तरह अपनी मौजूदगी जाहिर ना होने दी। शैबानी की फौज पुल से काफी दूर तक आगे निकल गई, तभी ये दस्ते टीलों की आड़ से निकलकर हमलावर हुए और पहले से बहुत ही महारत के साथ नस्ब की गई तोपों से पत्थर के गोले दागने और तीर बरसाने लगे। गजलबाशियों ने शैबानी की फौज को तीनों तरफ से घेर लिया और चौथी तरफ दरिया था। अब कहीं जाकर खान की समझ में आया कि वो फंदे में फंस गया है। उसे याद आ गया कि कभी उसने काराकोल के बागियों के खिलाफ खुद भी यही चाल अपनाई थी। अब वो फतह की बजाय अपनी जान की सलामती की दुआएं मांगने लगा। वो घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ पुल के करीब आया, लेकिन ये चोबी पुल टूट चुका था। ईरानी दस्तों के दबाव से खान की फौज के घोड़े और सवार बुलंद कराड़े से दरिया में गिरने लगे और जल्द ही सतह आप पर लाशें ही लाशें नजर आने लगी। खुद खान अपने कुछ दलेर सिपाहियों के साथ दरिया के किनारे किनारे भागा और कुछ दूर जाकर जाड़ों में भेड़ें रखने के एक बाड़े में फंस गया। गजलबाशों ने फौरन ही बाड़े को घेर कर हमला शुरू कर दिया। खान के निजी मुहाफिजीन जांबाजी के साथ लड़ते हुए जगह पर यके बाद दीगरे हलाक होने लगे। इस्माइल ने खान को अज़्मो इस्तक़लाल के साथ अपना दिफा करते देखा तो उसने तोपें बाड़े के करीब ही लगवा दी। ये कार्रवाई फैसलाकुन साबित हुई। जख्मी घोड़े गोलों के धमाकों से गजबनाक होकर एक दूसरे को और सिपाहियों को रौंदते हुए भागने लगे। शैबानी खान ने जो हाथ में बरहना शमशीर लहरा रहा था अपनी बुलंद आवाज से चीख चीख कर इस भगदड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश अधूरी रह गई। पत्थर का एक गोला आकर बराह रास्त उसके घोड़े के सर पर लगा। दूसरे ही लम्हे घोड़ा भी जमीन पर ढेर हो गया और सवार भी। शैबानी खान रकाबों से पांव न निकाल सका और उसकी एक टांग घोड़े के नीचे दब गई। उसी लम्हे एक दूसरा घोड़ा खान के ऊपर आन गिरा। इस तरह खान, जिसकी पसलियां टूट गई थीं और जो घोड़े के वजन से जमीन में धंसा जा रहा था, बेहोश हो गया। लड़ाई के बाद एक गजलबाश सरदार ने, जो खान को पहचानता था, उसकी लाश ढूंढ निकाली। खान के चारों तरफ की जमीन दुश्मनों और अब्दुल रहीम और मंसूर बख्शी समेत खुद उसके बहुत से ओहदेदारों और सरदारों की लाशों से पटी पड़ी थी। फातिहीन ने शैबानी की लाश से सर काटकर नेजे पर उठाया और उसे शाह के जाकर उसके घोड़े के सुमों के नीचे फेंक दिया। बाद में शैबानी खान के बहाए हुए खून के बदले के तौर पर उसके सर की खाल उतरवाकर उसमें भूसा भर दिया गया। शैबानी के कासाए सर पर सोने के पत्थर मढ़ दिए गए और फातिहीन ने इस जाम से शराब पी। ये खानजादा बेगम के अपने 10 साल बेटे खुर्रम के साथ मरु से बल्ख जाते हुए कंदस पहुंचने के सफर का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। सफेद ऊंट पर बंधे शानदार महमल में, जो सुनहरे फुंदनों वाले रेशमी पर्दों से ढका हुआ था, बैठकर सफर करने के बावजूद कारों के रास्ते बहुत दुश्वार साबित हो रहे थे। उन्हें ऊंचे नीचे टीले, जंगल, लकोदक, सहरा और नाले पार करने पड़े थे, लेकिन कुंदस अब भी काफी दूर ही था। खानजादा बेगम और उसका बेटा थक चुके थे। इसी तरह 4 कनीजें, 6 खादिम और 100 गजलबाश मुहाफिज भी, जो उन दोनों के साथ सफर कर रहे थे, थकन महसूस करने लगे थे। शाह इस्माइल शैबानी से सख्त नफरत करता था और खानजादा बेगम पर, जो शैबानी की बेगमात में से एक थी, उसने लुत्फ़ो इनायात की बारिश अपनी फतेहमंदी के फौरन ही बाद नहीं की थी। मरू में खान की बेगमात की तकसीम के मौके पर शाह के एक मोतबर सरदार नजम सानी ने खानजादा बेगम को अपने हरम में रख लेने की ख्वाहिश जाहिर की थी।
खानजादा बेगम के इकलौते बेटे खुर्रम को कुछ दिनों के लिए जिंदान में बंद कर दिया गया था, क्योंकि खान के खानदान वालों पर भी कोई रहम नहीं करना चाहता था। सभी उस खानदान को मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद कर देने पर तुले हुए थे। लेकिन इस असना में कंदस से बाबर का एक एलची शाह इस्माइल के नाम उसका पैगाम लेकर आन पहुंचा। बाबर ने शाह को मुबारकबाद दी थी कि उसे हमलावर शैबानी पर शानदार फतह हासिल हुई। उसने शाह से यह दरख्वास्त भी की थी कि उसकी बहन खानजादा बेगम पर, जो अपनी मर्जी के खिलाफ जालिम जाबर शैबानी के हरम में दाखिल हो गई थी, खास तौर पर रहम खाया जाए। शाह इस्माइल ने सुन रखा था कि बाबर एक दानिश्वर बादशाह है। वो ये जानता था कि बाबर बेतासुब है और शैबानी और उसकी हिकमत अमली के हामियों का जानी दुश्मन। शाह ईरान शैबानी खानदान के हुक्मरानों के खिलाफ अपनी मुहिमों का सिलसिला जारी रखने और उनसे सारे मावरन नहर को छीन लेने का भी इरादा रखता था। इस जिद्दोजहद में बाबर से अच्छा दोस्त उसे और कहां मिल सकता था। और फिर बाबर अपने लश्कर को काबुल से लेकर मावरन नहर के नजदीक वाक़े शहर कंदज यूं ही थोड़ी पहुंच गया था। कंदज में तो वो अपने लश्करियों की तादाद बढ़ाने का भी इरादा रखता था। इन सब बातों के मद्देनजर शाह इस्माइल ने मौके से फायदा उठाकर बाबर को अपना इत्तेहादी और मरहून एहसान बना लेने का फैसला कर लिया। उसने सोचा कि वो बाबर की मदद से मावरन नहर को शैबानी के बेटों से छीन लेगा और इसके बाद देखेगा कि मावरन नहर पर अपना दावा साबित करने की ज्यादा ताकत किस में है। चुनाचे शाह ने संगदिली की बजाय नेकी और रहमदिली का मुजाहरा किया। खलीफा ज़ादा बेगम और उसके बेटे को रिहा कर दिया गया। उन दोनों को न सिर्फ ये कि 100 सिपाहियों पर मुश्तमिल दस्ते की हिफाजत में बाबर के पास जाने की इजाजत मिल गई, बल्कि शाह के एक आला नसब वजीर मोहम्मद जान को भी साथ कर दिया गया। खानजादा बेगम को ना शाह के इन ख्यालात का इल्म था और ना ही इस बात का कि उसके साथ सफर करने वाला ईरानी सफीर खुफिया फौजी मुआहदा करने के मकसद से बाबर के पास जा रहा है। उसे तो दिल ही दिल में नामालूम आलामो मसाइब का, जो उसको और उसके बेटे को अपने गर्दाब में खींच सकते थे, जैसे पहले से ही एहसास हो रहा था। उस औरत का जो बेशुमार तकालीफ झेल चुकी थी, दिल तरह तरह के अंदेशों और खौफ से मामूर था। वैसे उसे ईरानी मुहाफिज दस्ते के सिपाहियों से जरा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। ये सिपाही उसकी कनीजों से भी किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे। कई ऐसे मौके आए थे जबकि खानजादा बेगम को यकीन हो गया था कि बज़ाहिर तुंदखू मालूम होने वाले कजलबाश खवातीन के साथ बड़ी शायस्तगी से पेश आते हैं। वो शाह की भी ममनून थी और उसके सिपाहियों की भी। ताहम किसी नामालूम खतरे के एहसास ने जिस खौफ और तशवीश में मुब्तला कर रखा था, उससे उसे किसी तरह निजात ही नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे खतरा घाटियों और घने जंगलों से दबे पांव उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा हो। कारवां खड़ी ढलानों से उतरने या तंग घाटियों से गुजरने लगता तो वो महसूस करती कि अचानक पहाड़ उन लोगों के ऊपर फट पड़ने को हैं। तूफान बर्फबारा के दौरान तो खौफ के मारे उसकी जान ही निकल जाती थी। इंतहाई तेजी से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश उसे वाकई बेहद खतरनाक लगती थी। दौरान सफर एक बार कारवां ने दरियाए अमो के बाएं किनारे पर एक जगह जो सरबेताल कहलाती थी, जंगल के पास रात गुजारने के लिए पड़ाव डाला। खानजादा बेगम को हिरनों का शिकार करते हुए शेरों की धाड़ें सुनाई देती रहीं और उसने सारी रात आंखों में काट दी। गौरी और कंदज नदियां मिलकर जिस जगह दरियाए अमो में गिरती थीं, वहां से सरकंडों से पूरी तरह ढका हुआ दलदली इलाका शुरू हो जाता था। इस जगह हवाओं में कुछ इतनी ज्यादा नमी और बदबू बसी हुई थी कि सांस लेना सख्त मुश्किल हो रहा था। कहा जाता है कि शैबानी खान का छोटा भाई सुल्तान महमूद, जिसका बहुत से खूनी मारके बाल भी बेका नहीं कर सके थे, कंदज में किसी अजीब नौयत के बुखार में मुब्तला होकर चंद ही दिनों में चल बसा था। खानजादा बेगम इस मुहीब बुखार को याद करके अपने बेटे को तशवीश भरी निगाहों से देखती रहती थी। उसने कभी एक अफगान कहावत सुनी थी कि जान से हाथ धोना चाहते हो तो कंदज चले जाओ। वो इसे मजाक समझकर हंस पड़ी थी, लेकिन अब यही कहावत उसे सच्ची मालूम होने लगी। उसे अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा तशवीश अपने अजीज फरजंद की जिंदगी की तरफ से लाहक रखती, जो दरअसल उसी का बेटा था, क्योंकि वो नफरत अंगेज बूढ़ा शैबानी बस कहने ही का बाप था। उसने तो बेटे की 10 साल जिंदगी में बस कभी कभार उसे देखा था, बेटे से बस बराए नाम सी दिलचस्पी ली थी। कहीं ऐसा ना हो कि बाबर मिर्जा कंदज में ही मौजूद ना हो, पहाड़ को पार करके अंदजान न ले चले गए हों, कहीं वो काबुल ना लौट गए हों, तब हम क्या करेंगे। खानजादा बेगम बार बार फिक्रमंद होकर सोचती रहती थी। पामीर और हिंदुकुश से घिरी हुई वादी कंदज खानजादा बेगम को भयानक फंदे की सी लगी। फिर एक दिन दोपहर को उस मुकाम पर जहां दरियाए अमो के किनारे से रास्ता कोहिस्तानी रफतों की तरफ जाता था,
कारवां को उसके मुहाफिज दस्ते से तिगने बड़े और पूरी तरह मुसल्ला दस्ते ने रोक लिया। जल्द ही पता चल गया कि रास्ता रोक लेने वाला यह दस्ता बाबर के रवाना किए हुए गश्ती दस्तों में से एक है। गश्ती दस्ते का सरदार मोहम्मद कोकलताश कारवां को पहाड़ी पर वाक़ कले की तरफ ले चला। खानजादा बेगम को अब अचानक ये वादी बहुत खूबसूरत मालूम होने लगी। कोहसारों से आती हुई हवाएं खुशगवार थीं। ढलानों पर उगे हुए अशजार नहायत ही दिलकश थे और दरिया के किनारे गुजरता हुआ रास्ता दिलफरेब। कंदज के साबिक खानों ने कले और उसके अंदर वाक़े महल की तामीर के लिए बहुत ही सेहत अफजा मकाम मुंतखब किया था और बड़ी खुशमजाकी के साथ। खानजादा बेगम ने यह सोचते हुए कि इसी महल में उसकी मुलाकात अपने अजीज भाई से होने वाली है, बड़े सुकून और इत्मीनान से दिल ही दिल में कहा और बेपाया मुसर्रतों से हमकनार हो गई। फाटक पर महलदार ने उनका खैर मकदम किया। वो खानजादा बेगम उसके बेटे और कनीजों को महल के खास तौर से आरास्ता किए गए हिस्से में ले गया और फिर फौरन ही बाबर को मुत्तला करने चला गया। चंद लम्हात के बाद ही खूबसूरत दाढ़ी और सलीके से संवारी हुई मूंछों वाला कोई 30 साल का एक जवान तकरीबन दौड़ता हुआ दीवान खाने में दाखिल हुआ। खानजादा बेगम ने समझा कि यह बाबर का कोई बेग है, क्योंकि उसके पीछे ही पीछे एक और जवान भी अंदर आया था। खानजादा बेगम को भाई का उस जमाने ही का चेहरा याद था जब वो 19 साल का नौजवान था और दाढ़ी भी ठीक से नहीं निकली थी। अंदर दाखिल होने वाले उस शख्स और उस जवान में कोई खास मुमासलत नहीं पाई जाती थी। फिर चौड़े शानों और तिरछी हुई हमवार मूछों वाले उस जवान का लिबास भी शाहाना न था। हीरों मोतियों से खाली रुपहली दस्तार और आम रेशमी चौगा। दरअसल बाबर की बहन की आमद की इत्तला पाते ही खलवतगाह से, जहां वो उमूमन लिखता पढ़ता रहता था, जिस हालत में था वैसे ही दौड़ पड़ा था। खानजादा बेगम, जो अब भी यकीन नहीं कर सकी थी कि अंदर दाखिल होने वाला जवान ही है, उसके चेहरे को गौर से तकने लगी। बाबर मुताज्जब होकर ठहर गया, उसका गला रुंध गया और बमुश्किल ही आवाज निकल सकी। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका भाई हूँ, हर बात के लिए कसूरवार आपका बाबर। हाँ हाँ, ये आंखें तो प्यारे बाबर जान की ही हैं, ये आवाज तो प्यारे बाबर जान की ही है। और खानजादा बेगम लपक कर भाई के पास पहुंची, उसके सीने पर अपनी हथेलियां रखी और फिर चेहरा भी टिका दिया। बाबर ने बहन को गले से लगा लिया और उसे सिसकियों के दरमियान, मुसर्रत और गम के आंसुओं के दरमियान ये अल्फाज सुनाई दिए। बाबर, मैं उस वक्त खान के पास चली गई थी आपके हुक्म के बरक्स। मैं जानती हूँ मेरे इस इकदाम की वजह से आपको कैसे कैसे खबासत भरे ताने सुनने पड़े थे, लेकिन यकीन कीजिए कि उस वक्त मेरे लिए इसके सिवा और कोई चारा न था। हाँ, मुझे मालूम है, मैं समझ गया था कि आपने मेरी खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैं अपनी आखिरी घड़ी तक आपका मरहूने मिन्नत रहूंगा। क्या आप इसे एहसान ही कहते हैं? तो क्या आज आपने इसका बदला नहीं चुका दिया? आपने मुझे कैद से, नजमे सानी के हरम से बचा लिया है बाबर जान। खुदा का हजार हजार शुक्र है कि उसने मुझे ऐसा भाई अता किया। मुझे आप पर फख्र है आपा जान। सद अफसोस के वालिदाए मोहतरमा को ये दिन देखना नसीब नहीं हुआ। खानजादा बेगम को अपनी वालिदा के इंतकाल की खबर गुज़श्ता साल ही मिल गई थी, लेकिन उस वक्त उसका दिल एक बार फिर इस नाकाबले बर्दाश्त दर्द से तड़प उठा था कि वो माँ को अब कभी भी ना देख सकेगी। हाय परवरदिगार ने हमें अपनी वालिदा से इतनी जल्दी क्यों महरूम कर दिया? खानजादा बेगम ने बाबर से अलग हटकर उसकी आंखों में झांका। कब हुआ था इंतकाल? अलील थी क्या? 5 साल काबिल। मर्रका दिमागी से काबुल के बाग में सुपुर्द खाक कर दी गई थी। अफसोस के 50 साल की भी ना हो पाई थी कि चल बसी। हाँ, वैसे तो कितने ही लोग 80-90 साल तक जीते रहते हैं। हमारी वजह से उन्होंने कितनी तकालीफ झेली, बराबर फिक्रमंद रहीं और आखिर उन्हीं सब परेशानियों ने उन्हें कब्र में पहुंचा दिया। इतने में मोहम्मद कोकलताश ने, जो दहलीज पर खामोश खड़ा हुआ था, कहा, अरे बेगम साहिबा, किस्मत के लिखे को भला कौन मिटा सकता है? खुशी की बात यह है कि आप हमारे हुक्मरान से, अपने बरादर अजीज से आ मिली। आपकी वालिदा मरहूमा की रूह इस मुलाकात से कितनी मसरूर हो रही होगी। आइए बैठकर उनके लिए दुआए मगफिरत करें। वो तीनों जरबफ्त के गद्दे पर बैठ गए। कासिम बेग अंदर आया और वो भी खामोशी से उन्हीं के पास बैठ गया। फिर उसने कतलोग निगार खानुम की रूह को सवाब पहुंचने के लिए धीमी और सोगवार आवाज में लहन के साथ फातिहा पढ़ी। इसके बाद ही उसने खानजादा बेगम को कंदस पहुंचने पर मुबारकबाद दी। खानजादा बेगम ने अपने बेटे खुर्रम को, जो दीवान खाने के कोने में कनीजों के दरमियान बैठा हुआ था, इस सब को कदरे बेजारी से देख रहा था, इशारे से बुला लिया। लड़का आकर माँ के पैरों के पास बैठ गया। खुर्रम अपने गोरे चिट्टे चेहरे, नीली आंखों और छिदरी भावों के बिना पर हूबहू अपने बाप शेबानी खान जैसा लग रहा था। बाबर ने शेबानी को करीब से कभी भी नहीं देखा था, लेकिन उसे इस मुशाबहत का एहसास हो गया। नाक नक्शा हमारे खानदान के अफराद का सा नहीं है, हरगिज नहीं।
ये लड़का भी हमारा हो सकेगा कि नहीं।